सिंध सूबाई असम्बली का इंतहाई पसमानदा हल्का PS-72 जहाँ दीगर मसाइल के साथ साथ पानी भी एक अहम मसला है। हल्के को सैराब करने वाले गोनी कैनाल को साल में सिर्फ 6 माह पानी फराहम किया जाता है, जिसके सबब हल्के के 4 लाख से ज्यादा आबादी पानी की अदम दस्तियाबी की वजह से मुजरे सेहत पानी पीने पर मजबूर है। शहरी अपनी मदद आप के तहत दूर दूर से घरेलू इस्तेमाल के लिए पानी लाते हैं। शहर में तो हर बंदा परेशान है, बाकी देहातों में 2-2 किलोमीटर बंदे दूर से पानी भर के आते हैं, अपनी जरूरत पूरी करते हैं। 6 महीने पानी रहता है और 6 महीने नहीं रहता। हमारा यही मुतालबा है, जो भी हुक्मरान जो सा है हमारा हल्के का उम्मीदवार, वो हमें पानी का मसला हल करके दे। यही मसला है कि पानी नहीं आ रहा, पानी की वजह से लोग बहुत परेशान हैं। मवेशी माल घास वगैरह सूख रहे हैं, पानी नहरों में नहीं है, घरों में पीने का पानी नहीं है। आप क्या मुतालबा करते हैं? हम यही मुतालबा करते हैं जो उम्मीदवार आए वो हमें पानी की सहूलत फराहम करे। सबसे पहले PS-72 से इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों का दावा है कि वो कामयाब होकर पानी के मसले के हल को अव्वलीन तरजीह देंगे। ये जो हमारा हल्का है PS-72, इसमें तकरीबन 4.25 लाख के करीब आबादी है। तो इसका सबसे बड़ा बुनियादी जो मसला जो हर इंसान की जरूरत है वो पानी है। पानी हम देखते हैं कि मुसलसल 6 महीनों के बाद 6 महीने हमारे पास वारबंदी होती है, जिसके अंदर शहर को तो कुछ दिनों के लिए पानी मुयसर आता है, लेकिन हमारे देहात जहाँ पर एक बहुत बड़ी आबादी इस हल्के की रहती है उनको पानी सही मुयसर नहीं है। तो इंशाल्लाह अगर हम जीत कर आवाम हमें इत्माद देगी और हमें वोट देगी तो हम इंशाल्लाह जीत कर सबसे जो पहला मसला होगा गुन्नी कैनाल का, इसको हम कोशिश करके 12 महीने के लिए पानी फराहम करेंगे। गुलारची समेत दीगर शहरी इलाकों के 1 लाख से ज्यादा मकीनों को 1 हफ्ते से पानी की फराहमी बंद कर दी गई है, जबकि देही इलाकों में इंसान और हैवान जोहड़ों का गंदा और मुजर सेहत पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। हल्के की आवाम ने इस बार इस शर्त पर वोट देने का फैसला किया है जो गोनी कैनाल को 12 महीने के पानी की फराहमी को यकीनी बनाएगा।